चीफ इंजीनियर हैं और सदस्य दो इसमें जो हैं वाई के शर्मा ज्वाइंट एमडी हैं सेतु निगम के और एसके गुप्ता ये चीफ इंजीनियर इलाहाबाद। साथ ही आज की घटना के ये तात्कालिक रूप से दोषी मानते हुए एचसी तिवारी जो चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर हैं उनको, केआर सूदन प्रोजेक्ट मैनेजर, राजेश सिंह सहायक अभियंता और लालचंद अवर अभियंता, एससी तिवारी एचसी चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर सीपीएम और केआर सूदन जो पीएम प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं, राजेंद्र सिंह सहायक अभियंता, लालचंद अवर अभियंता, इन चारों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। जो तकनीकी समिति का गठन किया गया है 15 दिन के अंदर यह अपनी रिपोर्ट सौंपने का काम करेगी। पूरी जानकारी इस पूरे घटनाक्रम की ली और तत्काल राहत कार्य प्रारंभ करने के बारे में भी आवश्यक निर्देश जारी किए। मैंने तत्काल अपने डिप्टी सीएम को और प्रदेश के अपने विभाग जो विभागीय मंत्री थे उनको यहाँ पर स्वयं मौके पर राहत कार्यों को प्रारंभ करने के लिए भेजा। साथ ही साथ इस पूरे घटनाक्रम की उच्च स्तरीय जांच के लिए एपीसी की अध्यक्षता में एक कमेटी का भी गठन किया है जिसमें सिंचाई विभाग के प्रमुख अभियंता और विभाग प्रमुख तथा जल निगम के एमडी को उसमें सदस्य के रूप में रखा है और 48 घंटे के अंदर उनसे रिपोर्ट मांगी गई है। तरफ खुशी समाती नहीं है, दूसरी तरफ मन एक भारी बोझ में भी दबा हुआ है। अभी कुछ ही समय पहले वाराणसी मेरे लोकसभा क्षेत्र में एक फ्लाईओवर का हादसा होने के कारण अनेक लोग जो बस में यात्रा कर रहे थे, व्हीकल लेके जा रहे थे, उसके नीचे दब गए हैं, कईयों की मृत्यु हुई है। मुख्यमंत्री जी से भी मेरी बात हुई, अधिकारियों से भी बात हुई, मदद के जितने भी साधनों को मोबिलाइज किया जा सकता है तुरंत किया है। बचाने के लिए भरपूर कोशिश हो रही है, लेकिन एक तरफ कर्नाटक के विजय की खुशी और दूसरी तरफ मन पर ये भारी बोझ। और बहुत स्वाभाविक है कि हिंदुस्तान के किसी भी कोने में इस प्रकार का हादसा बेचैन बना देता है। जिन परिवारों ने अपने स्वजन खोए हैं उनके प्रति मैं अपनी संवेदना प्रकट करता हूं और मुख्यमंत्री जी को भी मैंने कहा है कि भारत सरकार की तरफ से तत्काल जो भी मदद की आवश्यकता है हम पहुंचा रहे हैं। वहां भी जितनी व्यवस्थाएं हैं आर्मी समेत सबको मोबाइल। सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।